हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है सतलज यमुना लिंक कैनाल के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग आई है इस पूरे कैनाल के मामले को लेकर, तो इसके बारे में हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो सतलज यमुना लिंक कैनाल की पूरी हिस्ट्री है उसको हम अच्छे से इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ मी अंकित अग्रवाल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। दोस्तों, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें। मैं चाहता हूं आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है यहां पे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर करते हैं तो यू शुड फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड एवरीवन शुड कमेंट दिस आंसर इन आर कमेंट सेक्शन। और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, आपको पता होगा जो इंडस वाटर सिस्टम है पूरा। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडस, फिर झेलम, फिर चेनाब रिवर, और फिर आता है हमारा रवि रिवर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रवि रिवर है। उसके बाद आता है ब्यास रिवर, और ब्यास रिवर कहाँ जाके मिलता है? हरिके नेटवर्क के पास जो सतलज रिवर है उसमें जाके मिल जाता है। बेसिकली आप ये देख सकते हैं सतलज रिवर। आप सबको पता है कि सतलज रिवर हमारा जो है वो टिबेट से होकर इंडिया में एंटर करता है। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जब वो एंटर करता है इंडिया में, तब कौन से पास से वो क्रॉस करता है, बेसिकली कौन से पास के थ्रू वो एंटर करता है इंडिया में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी कैनाल है ये। लेकिन हमारे लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, हमें ये जानना है। आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारा यमुना रिवर जो दिल्ली के पास से पास होके ये एंटर कर रहा है हरियाणा में। तो ये यमुना रिवर है बेसिकली। तो जो सतलज यमुना सतलज लिंक बनाना था, कैनाल बनाना था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो बनाना था सतलज रिवर है। यहाँ से इसको लिंक करना था यमुना रिवर से बेसिकली। तो जो टोटल पार्ट होना था जो कैनाल का, वो पंजाब का जो टोटल पार्ट होना था वो था अराउंड 121 किलोमीटर, और जो हरियाणा का जो कैनाल का पार्ट था वो था अराउंड 91 किलोमीटर। तो बेसिकली क्या है ये, इसके बारे में और अच्छे से हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं SYL कैनाल के बारे में। तो आप सबको पता है कि 1966 में जो हरियाणा है इसको अलग कर दिया गया किससे? पंजाब से। तो हरियाणा भी पहले पंजाब का पार्ट था, तो 1966 में इसको अलग कर दिया गया। अब क्योंकि हरियाणा जब अलग हुआ पंजाब से, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी वो पंजाब के पास चली गई, लेकिन हरियाणा का भी कहीं ना कहीं हक बनता था उन सारे रिवर्स के वाटर के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन द ईयर 1976 हरियाणा को अलोकेट कर दिया अराउंड 3.5 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया कि हरियाणा को इतना 3.5 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर मिलना चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हैं टोटल लेंथ होनी थी कैनाल की 212 किलोमीटर, जिसमें कि 121 किलोमीटर पंजाब का और 91 किलोमीटर हरियाणा का होना था। और क्योंकि हरियाणा को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी पानी की उस समय, तो हरियाणा ने विद इन 4 ईयर्स इस पूरा जो कैनाल का कंप्लीशन था, जो 91 किलोमीटर था हरियाणा में बनना था, उसको कम्प्लीट कर दिया बाई 1980। लेकिन वहीं अगर आप पंजाब में देखें तो कुछ भी वर्क स्टार्ट नहीं हो पाया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब क्योंकि पंजाब इस पर कुछ भी आगे नहीं बढ़ा था, तो 1981 में एक ट्रिपटाइट एग्रीमेंट होता है बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। बेसिकली इसी एग्रीमेंट के थ्रू जो है 1982 में यूनियन गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जिसको हम कहते हैं सतलज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए जो सतलज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कहाँ से आता है। वो आता है 1981 में जो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1982 में 8 अप्रैल 1982 को पटियाला के पास श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस कैनाल का इनॉग्रेशन किया था। लेकिन जब इस कैनाल का इनॉग्रेशन किया गया, एक ट्विस्ट आ गया बेसिकली, जिसको हम कहते हैं राजीव लोंगवाल अकॉर्ड। बेसिकली ये था क्या, एक संत हरचंद सिंह लोंगवाल करके एक व्यक्ति थे जो कि श्री मनी अकाली दल के लीडर थे। बेसिकली उन्होंने एक एजिटेशन स्टार्ट कर दिया कैनाल के खिलाफ, और इसको एक पूरा रिलीजियस रूप दे दिया, और एक इसको धर्म युद्ध के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया इन अगस्त 1982। अब होता क्या है कि ये पूरा जो एजिटेशन चल रहा था उसकी वजह से पूरे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को हमें मिलता है।
इसको पूरा ठीक करने के लिए इन द ईयर 1985 में जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया विथ लोंगवाल, जिसको हम फेमसली कहते हैं राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड। इसमें ये कहा गया कि विथ इन वन ईयर बाई अगस्त 1986 को जो है जो पूरा काम है पंजाब को जो कनाल बनाना है उसको कम्प्लीट कर दिया जाएगा। उस समय सैट की गवर्नमेंट थी, श्रीमणि अकाली दल की गवर्नमेंट थी, जिसके चीफ मिनिस्टर थे एसएस बरनाला, उन्होंने काम स्टार्ट भी कर दिया और 90% वर्क जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, 90% वर्क जो है पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आता है। बेसिकली आप सबको पता है कि 1980s में जो पंजाब था वो टेररिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। उस समय जो सिख मिलिटेंट थे वो उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था पंजाब में। उस समय क्या हुआ, जब ये कनाल का पूरा वर्क चल रहा था तो जो दो सीनियर इंजीनियर हैं बेसिकली और 35 लेबर्स हैं उनको मार दिया जाता है बाई सिख मिलिटेंट। इसके वजह से जो पूरा कनाल का कंस्ट्रक्शन है उसको अगेन स्टॉप कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप ही इस पर देख सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात ये भी चली थी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हो सकता है कि वो इस काम को स्टार्ट करे, लेकिन अगेन कुछ भी मूव नहीं होता है इस पूरे काम पर, वो रुक जाता है 90% जो कनाल कंप्लीट होकर। अगेन क्योंकि 10 साल तक कुछ भी काम नहीं बढ़ता है तो 1996 में हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो अगेन सुप्रीम कोर्ट जाती है इसमें, बेसिकली वो अगेन सुप्रीम कोर्ट जाती है और वो दरख्वास्त करती है कि वो पंजाब सरकार को ये बोले कि वो जो बाकी कनाल का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अब अगेन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाती है इन द ईयर 2002 एंड 2004। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि वो पंजाब सरकार को कही कि जो भी कंप्लीशन करना है कनाल के ऊपर वो जल्द से जल्द कंप्लीट करें। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि पंजाब जो सरकार है वहाँ पे वो एक असेंबली में एक बिल लाती है, उसको पास कराती है, जिसको हम कहते हैं द पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004। बेसिकली इस एक्ट के थ्रू पंजाब सरकार ये कहती है कि जो भी 1981 में एग्रीमेंट हुआ था जिसकी वजह से जो 82 में कैनाल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो उस पूरे एग्रीमेंट को यूनिलैटरली कैंसिल कर देती है। तो बेसिकली 1981 के जो एग्रीमेंट हुआ था वो इस 2004 के एग्रीमेंट से पूरा कैंसिल कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं बेसिकली अगले फिर 10-12 साल तक कुछ भी इस पे मूव नहीं होता है। अगेन इन द ईयर 2016 रिसेंटली जब पंजाब में आपको पता हो कि 2016 में असेंबली इलेक्शन आने वाले थे बेसिकली, तो उस समय अगेन फिर से ये सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर देखती है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई होती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ पे इलेक्शन आने वाले थे, तो उस समय की जो सरकार है 2016 में वो एक और बिल लाती है पंजाब में जिसको कहा जाता है पंजाब सतलज यमुना लिंक कनाल रिहैबिलिटेशन एंड रिविजिटिंग ऑफ प्रोपर्टी राइट्स बिल 2016। बेसिकली इस एक्ट के थ्रू पंजाब जो सरकार है वो ये कहती है कि जितना भी 90% काम हुआ है कनाल के ऊपर वो वापस क्या करेगी, उस कनाल को फिल कर देगी, मिट्टी से वापस भर देगी, और जिस फार्मर से वो पूरा लैंड लिया गया था कनाल के लिए वो वापस उस फार्मर को दे देगी फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली। तो अगेन कहीं ना कहीं जो पंजाब सरकार है वो पूरा जो सिनेरियो है इसके ऊपर चेंज कर देती है। लेकिन अब आप यहाँ पे गवर्नर की जो इम्पोर्टेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नर के का एसेंट चाहिए होता है बिल के ऊपर, लेकिन गवर्नर इस पे एसेंट नहीं देते हैं। और बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट 2004 में जो एक्ट बनाया गया था जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, यहाँ पे जो एक्ट था ये पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट जिसमें 1981 के एग्रीमेंट को यूनिलैटरली कैंसिल कर देती है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो स्टेटस को मेंटेन करने को कहती है पंजाब सरकार को। आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हैं कि 2016 में जो एक्ट लाया जाता है पंजाब सरकार के द्वारा कि वापस जो कैनाल है इसको मिट्टी से भर दिया जाएगा और वापस फार्मर को दे दिया जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी जगह आप देख सकते हैं कि ये काम भी स्टार्ट हुआ, लेकिन काफ़ी लंबे पैमाने पर इस काम को नहीं रखा गया। तो अब क्या है बेसिकली, अब न्यूज़ में क्या चीज़ है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का अगेन, क्योंकि हरियाणा में अब रिसेंटली चुनाव आने वाले हैं ये एंड ऑफ द ईयर विद इन 2-3 मंथ्स में हरियाणा में फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो हरियाणा के ऊपर प्रेशर है कि वो सुप्रीम कोर्ट वापस गई है और फिर से उसने गुहार किया है सुप्रीम कोर्ट से कि पंजाब सरकार को बोले कि वो अपने काम को स्टार्ट कराए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि वो उसने डायरेक्ट किया है टू द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा और सेंटर को कि वो वापस में फिर से मिले और बाई सेप्टेम्बर 3 कोई ना कोई इस पर एक और सोल्यूशन निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक और भी कहना था कि वो सेंटर को
एक डायरेक्शन दे रही है कि जो पंजाब और हरियाणा है उन दोनों के बीच में एक मीटिंग बुलाई जाए और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक समझौता कराया जाए। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था रिसेंटली। आगे हम देख लेते हैं कि जो जो कदम पंजाब सरकार ने लिए थे वो क्या, कौन से ऐसे निर्णय हैं जो उसके अगेंस्ट जाते हैं और कौन से ऐसे पंजाब सरकार के निर्णय हैं जो उसके फेवर में जाते हैं। तो सबसे पहले अगेंस्ट देख लेते हैं। तो आपको पता होगा 2004 में जैसा मैंने बताया कि उसने यूनिलैटरली जो इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया था। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ पंजाब सरकार के अगेंस्ट चली जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें पंजाब सरकार के फेवर में भी जाती हैं, जैसे कि जो पूरा एग्रीमेंट हुआ था और जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से 1966 में, तो उस समय जो वाटर का जो सिनेरियो था पंजाब के पास वो काफ़ी अलग था। उस समय काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो पंजाब भी कहीं ना कहीं एग्री कर गया था कि हम वाटर शेयर करेंगे हरियाणा के साथ। लेकिन अगर आज के डेट में देखें, पिछले 40 50 60 साल बाद अगर आप देखें, तो पंजाब के पास भी पानी की जो है समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन किया गया और अंडर जो ग्राउंड वाटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आ चुकी है और वो लोग भी कहीं ना कहीं मानसून और रिवर पर डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से ये पंजाब की ये फेवर में जाता है कि पिछले 40-50 साल में जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो चुका है। 1981 में जो एग्रीमेंट बनाया गया था कहीं ना कहीं वो अभी लागू नहीं होता है। आगे वे फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के चलते जो पॉलिटिशियंस जो भी आपस में दोनों स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है उसको कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। उनको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लाना होगा, ना कि एक छोटे सीमा के लिए देखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि लॉन्ग टर्म लेंगे तो दोनों स्टेट के वो चीज़ फ़ायदे में रहेगा। दोनों स्टेट को जो है वाटर क्राइसिस के इशू पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों स्टेट में जो सिंकिंग वाटर टेबल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अनसस्टेनेबल और वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग पैटर्न है पूरे राज्य का जो हमारे देश में चल रहा है, इसको हमें लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे कि ज्वार बाजरा जैसे क्रॉप पे शिफ्ट होना पड़ेगा फ्रॉम राइट नाउ जो अभी हम राइस की ज़्यादा खेती कर रहे हैं, शुगर केन की ज़्यादा खेती कर रहे हैं, जहाँ पे जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा लेता है वो सारे क्रॉप्स। एट द सेम टाइम पंजाब को भी ये समझना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट उसने साइन किया था हरियाणा और राजस्थान के साथ मिलके, वो यूनिलैटरली उसको कैंसिल नहीं कर सकता है। सो दे मस्ट आल्सो कोऑपरेट विद हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के पास भी जो वाटर की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो एट द एंड दोस्तों यहाँ पे हम अपने आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ टू ओनली। बेसिकली आपको करेक्ट पहचाना है। तो जो पहला है दैट इज़ आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या आर्टिकल 262 एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर? तो ये रॉन्ग है। ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉज रिगार्डिंग एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है आप देखिए, द मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं? जी नहीं, इसको अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आई होप दोस्तों ये आपका आंसर सही हुआ होगा। तो ये पूरा जो सतलज यमुना लिंक कैनाल का पूरा मसला है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हिस्टोरिकल क्या चीज़ें रही हैं इसके बारे में वो भी आपको अच्छे से जानने को मिला होगा। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी much. See you soon.